हेलोन वेलकम टीट सो टुडे आर गोइंग टू सी प्रीमी क्या आता है प्रीमी आज थोड़ा बेसिक सिखा देता हूँ माइंड प्रीमी क्या आता है स्टेटमेंट आता है एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट ओके तीन स्टेटमेंट मैक्सिमम फोर स्टेटमेंट है थ्री कॉन्क्लूजन एस बी आई पीओ में देखने को मिलता है फोर कंक्लूजन वो भी रेयर ठीक है ना मींस में क्या आता है रिवर्स सिलेबस एक थिंग तो जो सबसे जो फेमस है रिवर्स सिलेबस रिवर्स सिलेबस में क्या होता है कि कंक्लूजन विल बी गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन ए कंक्लूजन बी कंक्लूजन सी आफ्टर दैट स्टेटमेंट्स विल बी गिवन Take me four statements. Suppose this is a first option. You have four statements one, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. But thing is that

सॉरी यू कैन कॉन्क्लूड विदूजन कैरेक्टराम लोग फाइव यह यहाँ पर फाइव कंक्लूजन सॉरी फाइव स्टेटमेंट जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हाँ सर एलिमिनेट तो कर सकते सपोज ये नहीं हो सकता हाँ ये नहीं हो सकता तो सपोज ये दो हो सकता है ये भी नहीं हो सकता सो आफ्टर डेट वी विल ड्रॉ ऑनली टू इफ यू आर प्रो एंड इन सिलोक्स देन ऑब्वियसली यू डोंट नीड दिस डायरेक्टली एक ड्रॉ करके सही या गलत मार्क कर सकते हो ठीक है अभी ये एलिमिनेट कैसे करोगे हाउ विल यू एलिमिनेट दिस यही बन यही प्रॉब्लम है एलिमिनेट कैसे करोगे सपोज में एक एग्जाम्पल ले लिया आर बी स्टेटमेंट हाँ ये सब क्या है स्टेटमेंट सो ए आर बी ऑल ए आर डी नो डी आर ई SOME B are C. Now conclusion. SOME B are SOME B is E. SOME A is not E.

हा है हा है कैसे पता चला यहां पर देखो अभी देखो सोम ए आर बी कुछ ए बी है एंड सारा का सारा ए क्या है डी है स्टेटमेंट कर देखो स्टेटमेंट यहां पर देखो अभी ये वाला मत देखो ये खत्म हो गया सोम ए आर बी ऑल ए आर डी सोम ए आर बी मींस सोम बी आर ऑल्सो मतलब बी एंड ए को शेयर कर रहा है एंड सारा का सारा ए कहाँ है डी पर है ठीक है सारा का सारा ए कहां पर है डी पर है तो ये सही हो गया ठीक है सोम बी इज ई ये बोला देखो सॉम बी इज ई बी कहां पर है यहाँ पर है डी कहां पर है यहाँ पर है। कुछ रिलेशन बन रहा है क्या देखो बी से डी तक जाने के लिए कुछ रिलेशन बन रहा है क्या बी से डी तक जाने के लिए कुछ रिलेशन बन रहा है क्या बी से ए तक जा पाओगे so hmm? कोई बात नहीं ये तो किया था। ये खत्म हो गया बी से ए तक जाओगे और कोई बी से सी तक जा पाओगे बी से ए तक जा पाओगे बी से सी तक जा पाओगे अभी सी से ई e तक जाने का कोई चांसेस है क्या नो no? ये गलत हो गया देखो अभी यहां पर बी, बी एंड ई के बीच में कुछ रिलेशन है नहीं तो ये गलत यहाँ पर देखो ए से बी तक जाओगे सॉरी बी से ए तक मतलब सोम है तो दोनों तरफ से जा सकते हो आ सकते हो सोम मीन्स सोम ए आर बी मीन्स सोम बी आर ऑल्सो बी से ए तक जाओगे ए से ई e तक जाओ जा पाओगे क्या नहीं ये e तो यहाँ पर है है कि नहीं हाँ जा पाओगे बट मतलब थिंग इज दैट नेगेटिव रिलेशन है ए से डी तक जाना होगा डी से ई e तक हाँ हाँ बट मतलब थिंग इज दैट यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव आ गया नो no डीआरई तो ये गलत हो गया समझ में आया एक नेगेटिव रिलेशन आ गया यहां पर ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव आ गया इसलिए ये गलत हो गया एंड भेंडागा में भी तुमको दिखाई दे रहा है सोम बी इन और भी और भी है कुछ अगर यहां पर सोम डी इज ई भी रहता सोम सोम से सोम नहीं होता अगर सोम ए आर बी इट मीन सोम बी आर ए हा है बट उसके बाद ऑल ए आर डी ऑल डी आर ई इट डज नॉट मीट बी बीज यहां पर फॉलो हो रहे है हो रहे हो गलत है ये गलत है नो सोम इज नॉट ई कुछ ए ई -E नहीं है ये तो नो था मतलब एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा वट डज ए स्टेटमेंट स्पीक्स वट डज स्टेटमेंट मीन्स तुमको क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट अच्छे से समझना पड़ेगा सोम ए इज नॉट ई ए कहा पर है यहाँ पर ए यहाँ भी है यहाँ ई e यहाँ पर है सारा का सारा ए डी है डी ई e नहीं है तो ये गलत हो गया या सही हुआ सही हो गया ये गलत नहीं होगा सही होगा क्योंकि का सारा ए कहां पर है डी पर है एंड डी ई नहीं है तो ए भी ई e नहीं है ठीक है ना नो ए इज डी ई ये भी ये भी सही है कुछ का सारा ए डी है डी ई e नहीं है तो का सारा ए भी ई e नहीं है क्लियर? अभी उल्टा होगा उल्टा यह तो गलत है अभी उल्टा होगा यह तो गलत है कंक्लूजन तो हमेशा सही वाला देगा यह गलत है अभी हम लोग यहां से यहां तक जाए यहां से यहां तक रिवर्स आएगा ना में। सोम बी आर डी ये वाला ये जो कंफ्यूजन है इसके लिए यहां पर जो स्टेटमेंट गिवेन है वो सेटिस्फाई कर रहे है कि नहीं कर रहे दे, देखेंगे सोम बी आर डी कुछ बी क्या है डी है सोम बी आर ए सारा का सारा ए डी है हाँ ये सही होगा ठीक है उसके बाद सोम इज नॉट ई सार का सारा ए डी है ई e नहीं है कुछ ए भी डी नहीं no e. A, D है नो एज सारा ए डी है ई नहीं है तो ए भी ई e नहीं होगा तो ये भी सही होगा अगर ये तीनों सही हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा आंसर हमारा हमारा ये वाला Factories, ये सब क्लियर हो जाएगा एंड कल थोड़ा अच्छे से और डिस्कस करेंगे आई एम ट्राइंग टू मेक एप शार्ट जहां पर मतलब ये सब कुछ कौन सा होने से कौन सा होगा कौन सा होने से कौन सा नहीं होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है ना ठीक ये कोडेड वाला तो हो जाएगा कोडेड वाला तो आराम से होगा स्टार का मतलब क्या है

का मतलब क्या था बी क्वेश्चन मार्क आ गया सोम ए बी बीजे पॉसिबिलिटी समझ में आया डायरेक्शन समझ में आया यहां से यहां तक डायरेक्शन ही था डायरेक्शन समझ में आया डायरेक्शन समझ में आया यस नो एनी वन नो यस नो डायरेक्शन समझ में आया direction subs yes anyone know anyone then try this try this here you can easily draw a pen सी। स्टेटमेंट सी ग्रेटर देन वेव ग्रेटर देन का मतलब क्या था सोम ए इज नॉट बी सी ग्रेटर देन वेन्स सोम सी इज नॉट सॉरी सोम सी इज फाइव इज रॉन्ग सही कौन सा होगा सोम सी इज हा फाइव इज रॉन्ग कुछ सी वेव नहीं है टाइड स्टार का मतलब ऑल ए आर बी इट मीन ऑल वेब इज टाइड सारा का सारा वेव क्या है टाइड है टाइड पर्सेंटेज मोन पार्सेंटेज का मतलब क्या है सोम इज बी सॉम टाइड इज मोन क्या है मून है पहला वाला देखो मून परसेंटेज टाइट परसेंट का मतलब क्या था सम ए इज बी इट मींस सम मून इज टाइड कुछ मून टाइड है हाँ है पहला वाला बिल्कुल सही है टाइड ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क वेव ग्रेटर देन का मतलब सम ए इज नॉट बी टाइड ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क सम टाइड इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी कुछ टाइड वेव नहीं होने का पॉसिबिलिटी है हां है यहां से यहां तक जो ये पार्ट है टाइट का पार्ट है ये वेव नहीं होने का पॉसिबिलिटी है हा है हुँ? टाइट पर्सेंटेज वेव सॉम इज वेव हाँ यह भी सही है कुछ कुछ टाइड वेव है हाँ सही है वेव स्मॉल देन क्वेश्चन मार्क मून स्मॉल नो वेव इज मून इज अ पॉसिबिलिटी नो वेव इज मून इज अ पॉसिबिलिटी हाँ कुछ रिलेशन है नहीं पॉसिबिलिटी में सही होगा ये भी सही सी स्मॉल देन वेव हाँ स्मॉल देन नो सी इज वेव कुछ रिलेशन है नहीं डायरेक्टली नो सी इज वेव ये तो कहना गलत होगा सम सी इज नॉट ये सही है लेकिन पूरा का पूरा सी वेव है कि नहीं वी डोंट नो तो ये गलत होगा ठीक है बाकी सब सही हाँ प्रेक्स यू आर राइट ठीक है नाउ ट्राई दिस यही है डायरेक्शन इक्वेशन परसेंटेज आइस परसेंटेज का मतलब क्या है सोम इज बी इट मीन सॉम लेसेस इज आइस कुछ लेसेस क्या है आई आइस मॉडर्न स्पेक्स मॉडर्न का मतलब क्या है नो स्पेक्स स्टार लेंस स्टार मींस ऑल ए आरबी ऑल स्पेक्सर लेंस का सार स्पेक्स क्या है लेंस नाउ लेंस आइस ग्रेटर ग्रेटर का मतलब क्या है नो लेंस इज आइस नो लेंस इज आईज ये तो कह नहीं सकता ये गलत है डायरेक्टली आईज और लेंस का कुछ रिलेशन है नहीं आई स्पेक्स आईज और स्पेक्स का रिलेशन है बट द थिंग इज दैट आईज और लेंस का कुछ रिलेशन है नहीं तो पहला मतलब गलत है स्पेक्स स्मॉलर देन आई स्मॉलर का मतलब क्या है नो no. नो no. ये सही है आईज अगर पूरा का पूरा आईज नेगेटिव रिलेशन के रिलेशन के साथ स्पेक्स स्पेक्स भी पूरा का पूरा स्पेक्स नेगेटिव रिलेशन होगा। आई स्टार क्वेश्चन मार्क लेसेस स्टार का मतलब क्या है ऑल ऑल आईज और लेसेस इज ए पॉसिबिलिटी हाँ पॉसिबिलिटी में ये सही पॉसिबिलिटी में होगा नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में सही होगा लेंस स्टार क्वेश्चन मार्क स्पेक्स का मतलब ऑल लेंस आर स्पेक्स इज अ पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है ये भी सही लेसेस परसेंटेज स्पेक्स लेसेस स्पेक्स फैशनिस्ट का मतलब क्या है सम सम लेस आर स्पेक्स ये गलत तो फास्टेस्ट रोंग एंड लास्ट इज रोंग एनी डाउट एनी डाउट Should I repeat? Should I repeat? Hmm? Ah. So L A. You can write L A. You can write L E. Confusion. The. नहीं होगा वे एनी डाउट रिपीट बाकी सबका क्या हाल है इट ये फास्ट क्लास है ऑब्वियसली थोड़ा तो टाइम चाहिए प्राइडिस सबका आंसर चाहिए मुझे टू मिनट्स बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। टाइम अप, थ्री एंड फाइव करेक्ट थ्री एंड फाइव करेक्ट वन रॉन्ग बाकी अकॉर्डिंग टू गूगल बाकी सब करेक्ट रेसेस चल रहे है कि नहीं एम स्टार एन एम स्टार एन ऑल एम इज एन सार का सारा एम क्या है एन है एन पार्सेंटेज ओ पार्सेंटेज मतलब सम ए इज बी समर देन पी ग्रेटर का मतलब सम ए इज नॉट पी सम इज नॉट पी परसेंट इज क्यू परसेंटेज का मतलब क्या है सम? q स्टार स्टार का मतलब ऑल सारा का सारा क्यू क्या है जेड ठीक है नाउ पी स्टार क्यू स्टार का मतलब क्या है ऑल ऑल पी इज क्यू नो ये तो गलत है ठीक है एन परसेंटेज एम परसेंटेज का मतलब सम ए इज एम हाँ ये तो सही है सोम एन इज सेम हाँ ये सही है दिखाई दे रहा है जेड परसेंट इज पी सोम जेड इज पी हाँ ये भी सही है सही है सोम जेड इज पी जेड परसेंट इज क्यू सोम जेड इज क्यू हाँ ये भी सही है एन परसेंट इज ओ सोम एन इज ओ हाँ ये दिखाई दे रहा है ये सही है तो फर्स्ट इज सोम बाकी सब करेक्ट है ठीक है ये सर दिस ये पैटर्न हाँ दो तीन और क्वेश्चन ये कर लो ये तो मेरे हिसाब से इजी है फोर फाइव करेक्ट बाकी गलत <laughs> अगर फोर करेक्ट है तो फाइव कैसे चाहिए होगा थ्री फोर ना? और आंसर सही है ऑल पी इज क्यू has का मतलब एट द का मतलब some पी is क्यू यहां पर देखो ए हैज बी इट मीन्स ऑल एज बी सार का सार ए क्या है equal का मतलब नो नो बी इज सी सी एट द D डी सॉम पी इज नॉट यहा क्यू होना चाहिए क्यू सॉम पी इज नॉट क्यू कुछ सी डी नहीं है ठीक है बी एट द रेट डी एट द रेट का मतलब सॉम बी एंड डी के बीच में कुछ रिलेशन है नहीं खत्म कर दो ए डॉलर बी डॉलर का मतलब सॉम इज नॉट बी ये भी गलत हैारा ए ही बी है डी एट द रेट सी एट द रेट का मतलब एट द रेट का मतलब सम पी इज क्यू सम डी इज सी नो ये गलत है डी इज इक्वल टू बी डी इज नॉट बी ये भी कहते ये देखो ये क्या बोल रहे उसके बाद क्या बोल रहे हैं सॉरी ये वाला ये बोल रहे पार्ट ऑफ डी सॉरी सम पार्ट ऑफ सी इज हैविंग ए नेगेटिव रिलेशन विथ डी हाँ बट डी से कुछ पता नहीं हैिश्ता है हम लोगों को पता नहीं पता है मेरा कुछ पार्ट डी नहीं है बट डी को कुछ पता नहीं तो क्या क्या हो सकता है नहीं तो सोम सी इज सी इज सी यही हो सकते तो ये दोनों क्या बनेगा आईडर ठीक ना ये दोनों और क्यों हुआ एनी कंफ्यूजन शुड आई रिपीट शुड आई रिपीट ठीक है बाकी सब समझ में आ गया ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन इसके बाद बढ़िया है ये क्वेश्चन बढ़िया है मुझे भी नहीं पता ये क्या है देखने को मजा आ रहा है रुक जाओ हाँ रुक जाओ ये गलत हुआ ये नानव डिज होगा हाँ नहीं नहीं सॉरी 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 मैंने गलत पढ़ाया ये सोम तो होगा नहीं इक्वल का मतलब क्या है नो पी नो दी एस पी नो दी एस सी मैंने यहाँ पर गलत है। मतलब गलत लिखा गलत बोला मतलब बट मैंने सही सोचा ठीक है। एंड नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सोम एंड सोम नोट नहीं ठीक है सो डाउट होना चाहिए था मैंने यहाँ गलत लिखा था मैं गलत बोला था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गलत लिखा था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आंसर सही था मैंने सही सोचा था <laughs> सॉरी देखा मोबाइल लिख रहा था ना बिटवीन द क्लास ऑल पी इज क्यू है का मतलब ये तो सेम ही है यहां से स्टार्ट करते हैं ए डॉलर सी डॉलर का मतलब क्या है सोम ईआर नॉट सी कुछ ए सी नहीं है सी हैज बी ऑल सी इज बी सारा का सारा सी क्या है बी है हैज का मतलब ऑल सी एट द रेट डी सॉम सी इज डी गो सी क्या है डी है सी जुकेल टू ए नो सी इज ए ये तो गलत है सी जु ये भी गलत है सॉम तो है ये गलत है बी जुकेल टू ए ये भी गलत है डी टू सी सॉम डी इज सी हाँ ये सही है सी ये सही डॉलर ए ए ए इज इज नॉट नॉट ये गलत है डी एन ए के बीच में कुछ है क्या और नहीं है तो फोर सही होगा बाकी सब गलत होगा ये भी नो ये भी नो ये भी नो ये सॉम ये क्या है सोम नॉट सोम वाला सही हो गया नहीं तो नो के साथ और देखते सोमोट के लिए आइडर के लिए ऑल सही है क्योंकि ऑल तो है नहीं तो ऑप्शन फोर इज अ करेक्ट ठीक है ना ठीक है ठीक है क्लियर ठीक है है ना ये देखो, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन इससे पहले एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करता वाला यहाँ पर क्या बोल रहे फॉलोइंग क्वेश्चन कॉन्सिस्ट ऑफ सिक्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट कितना है सिक्स है फॉलोड बाय ऑप्शंस कंसिस्टिंग ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स पुटिंग टुगेदर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एक ऑर्डर पर ये एक ऑर्डर पर है ठीक है चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेटेड कॉम्बिनेशन वेदर द थर्ड स्टेटमेंट मीन लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम द दूस स्टेटमेंट मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट दो से कंक्लूड कर सकते हो क्या मतलब ये सोच लो कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट है थर्ड अगर कंक्लूजन होता तो ये सही होता ये गलत होता यू हैव टू चेक दिस नाउ थोड़ा इमेजिन करके देखो कुछ हो सकता है क्या एलिमिनेट करो पहले एलिमिनेट करो कौन सा नहीं हो सकता इट्स लाइक सिलेक्टिंग सॉम स्टफ यहाँ पर कुछ बॉक्स है यहाँ पर एक सपोज बेड है यहाँ पर एक बॉल है सपोज ये टेनिस बॉल यहाँ पर एक फुटबॉल है तुम लोग ट्राई करो सपोज यहां पर कुछ कॉस्मेटिक का सामान है यहाँ पर एक मोबाइल फोन है यू हैव टू सपोज यू हैव टू सिलेक्ट सम स्टफ अगर वो लड़की है सपोज एक एक सिलेक्ट एक करना पड़ेगा. सपोज वो लड़की है डेफिनेटली वो इन तीनों को तो डेफिनेटली नहीं है मैक्सिमम वो गर्ल्स क्या करेगा इन तीनों को पहले हटा देगा नहीं चाहिए इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट करेगा सपोज इज अ बॉय और तो डेफिनेटली वो ये वाला पहले मुझे ये नहीं चाहिए बाकी इन चारों में से कुछ है। यहां पर भी सेमी अगर मैं होता तो मेरे लिए तो आसान ही होता मुझे ये तो सही है नहीं मैं ये भी नहीं खेलता मुझे ये भी नहीं चाहिए मुझे ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। मुझे तो यही चाहिए <laughs> बाकी मेरा काम का खाली, ठीक है हो हो गया, हो गया, से से देखना पड़ेगा? देखो कॉन्क्लूजन योगी okay. कुछ दिनेश योगी है बाकी अभी स्टेटमेंट देखो ये दोनों वन एंड टू ऑल योगी आर केशव सारा का सारा योगी क्या है केशव है सोम केशव आर दिनेश, ये तो नहीं होगा ये तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा सारा का सारा योगी है, उसके बाद कुछ केशव दिनेश है इमेजिन कर लिया वैनगम कैसा होगा योगी केशव का अंदर होगा बट द थिंग इज कुछ केशव दिनेश होगा तो योगी जा नहीं सकता है कि नहीं पहला वाला गलत दूसरा देखते पहले थ्री योगी फोर देखते नो केशवी स्वाती। दिनेश इज स्वाति सम केशव इज नॉट स्वाति दिनेश स्वाति केशव स्वाति योगी तो है ही नहीं यहाँ पर इन दोनों में योगी है ही नहीं थ्री को सही करने के लिए योगी तो चाहिए दिनेश है हाँ है योगी तो है ही नहीं तो ये भी गलत अब इसको फाइव सोम कैशवर नॉट स्वाति टू एंड फोर सोम कैशवर दिनेश हाँ है नो दिनेश इज स्वाति कुछ केशव दिनेश से दिनेश स्वाति नहीं है So, कुछ केशव नहीं हाँ ये सही है ऑप्शन सी सही है मैं अभी बहन करके दिखाता दिखता हूँ कुछ केशव दिने से उसके बाद नो दिने सी स्वाति दिने स्वाति नहीं है तो सोम केशव आर नोट स्वाति दिस पार्ट ऑफ केशव इज नोट स्वाति ये तो सही है ऑप्शन सी करेक्ट का सिलॉक्स अच्छे से पढ़ो दो तीन बार देखो वही क्लास देखो खून में डरना चाहिए सिलॉक्स टू फाइव फोर फोर क्या है नो डिनेसिस स्वादी मेरे सबसे ये गलत है सम केशवर डिनेस सम केशवर नॉट स्वादी नो स्वाति ये नहीं होगा नो स्वाति नहीं क्या बोल फाइव सम और नॉट स्वाति कुछ केशव स्वाति नहीं नो नो डिनेस स्वाति ये तो नहीं होगा सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन इट गॉट इट कैसा था क्वेश्चन बढ़िया था फर्स्ट क्लास hmm. so, प्री का जो सिलॉग से वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री का जो सिलॉक्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से ये जो बैंडेगा अभी मैंने ड्रॉ किया ना इसका थोड़ा सा आइडिया आ जाते है थोड़ा सा आइडिया अगर आ गया तो रिमूव कर सकते हो ऑप्शंस। एलिमिनेट यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन ठीक है ठीक है गूगल डाउट एनी डाउट एनी डाउट और एक क्वेश्चन है उसको भी कर लो सेम सेम ट्राई टू एलिंग गलत होगा गलत हंड्रेड परसेंट गलत, गलत हो नहीं हंड्रेड परसेंट नहीं नाइनटी नाइन परसेंट गलत होज यू हैव टू लर्न यहाँ गलत करो एग्जाम में जाकर सही करो वी आर हेयर टू टीच यू नॉट टू जज यू ठीक है बाकी सबका पूरा का ड्रॉ क्या कर रहे हो ना पेपर फुल हो गया हमको भी वही लग रहा है हाँ वही होगा मुझे भी वही लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा बट ये ऑप्शंस ई को मार्क करना थोड़ा मुश्किल होता है बट यहां से ही होगा देखो क्या चाहिए फोर सम ग्लासेस बल्ब वन में क्या है नो इरेज पेपर टू में क्या है नो पेपर स्पेन अरे बल्ब एंड ग्लास है ही नहीं खत्म टू सिक्स से फोर चाहिए टू में क्या है और पेपर इज नॉट पेन सिक्स में क्या है सम लाइटर पेन गलत बल्ब है ही नहीं टू पर भी बल्ब नहीं है ग्लास नहीं है सिक्स पर भी बल्ब नहीं है ग्लास नहीं है ये तो गलत यहां पर देखो वन चाहिए इरेजर पेपर कहा कहां से चाहिए फोर एंड सिक्स है फोर ये वाला सिक्स ये ये वाला ग्लास एंड इरेजर एंड पेपर है नहीं फोर पर भी नहीं है इरेजर पेपर सिक्स पर भी नहीं है इरेजर पेपर खत्म सिक्स वाला सही है light paint चाहिए अगेन लाइट पेन चाहिए वन एंड थ्री इरेजर पेपर पेपर व्हाइट लाइट एंड पेन नहीं है वन एंड थ्री में लाइट पेन दिखाई दे रहा है क्या ये भी गलत ऑप्शन सी इज द करेक्ट ठीक है तो ये लास्ट ये वाला हम लोग कल डिस्कस करेंगे ठीक है उल्टा तो आज लास्ट क्वेश्चन एक सोल्व कर लेते कौन सा क्वेश्चन था ये वाला साथ में करते ठीक है नो पेन इज रेड सॉरी नो पिंक इज रेड नो ब्लू इज ग्रीन पी एंड क्यू क्या होगा वी डोंट नो सम येलो आर नॉट पिंक वाई एंड जेड क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां पर पी है क्यू है वाई है, जेड है पी एंड क्यू क्या होगा स्टेटमेंट होगा वाई एंड जेड क्या होगा कंफ्यूजन होगा सही होना सही। यहां पर और एक चीज है मोर देन वन ऑप्शन इज अभी अभिषेक करते हैं। पहले ये दोनों लो उसके बाद ये दोनों लो स्टेटमेंट को उसके बाद इसको सही करने का कोशिश करो अगर इन सहार से मिलकर ये सही नहीं हुआ डेफिनेटली वो ऑप्शन गलत होगा है कि नहीं यूजिंग पी एंड क्यू एंड स्टेटमेंट वन एंड टू इफ यू कैनॉट कॉन्क्लूड कंफ्यूजन वन स वो वाला ऑप्शन गलत है तो बाकी सब बाद में देखेंगे है कि नहीं सुनो yes no? जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्लर्कल में भी आ सकता है एस बी आई सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया आ सकता है ऑप्शन पर देखो पहले पी क्यू वाई जेड दिखाई दे रहा है ये पी क्यू वाई जेड स्टेटमेंट्स को देखो वन एंड टू स्टेटमेंट इज गिवेन पीएन क्यू इज नॉट गिवेन सो पी पीएन क्यू कहां पर है ऑप्शन पर है 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 कि नहीं पी क्यू कहां पर पर अभी कंक्लूजन पर देखो कंक्लूजन वन इज गिवेन कंक्लूजन टू एंड कंक्लूजन थ्री क्या है वाई एन जेड वाई एन जेड कहां पर है ऑप्शन पर, 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 पर है तो पहले हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू लेकर ये पी एंड क्यू से करेंगे पी एंड क्यू के सॉरी स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू पी एंड क्यू लेकर ये जो एक जो गिवन कंक्लूजन है उसको हम पहले चेक करेंगे अगर वो सही निकला तो बाकी कंक्लूजन चेक करेंगे अगर वो सही नहीं निकला डेफिनेटली वी विल स्किप और एलिमिनेट दैट गिवन ऑप्शन ठीक है ना ठीक है ना क्लियर सो so, पहले हम लोग क्या करेंगे यहां से तो ये वाला नहीं निकलेगा नो पिंक इज रेड नो ब्लू इज ग्रीन इन दोनों में से तो ये नहीं निकलेगा है कि नहीं सब येलो आर नॉट पिंक अब ये देखो ऑल ब्लू आर येलो नो पिंक नो पिंक इज ब्लू और ब्लू आर येलो सारा का सारा ब्लू क्या है येलो है एंड ब्लू पिंक नहीं है तो सम येलो आर नॉट पिंक ये होगा हाँ होगा सम ब्लू आर नॉट पिंक नो पिंक इज ब्लू का मतलब क्या सम ब्लू आर नॉट पिंक है नहीं एंड ब्लू कहां पर येलो पर है? ये हो सकता है इसको रुक जाओ कहां का एलिमिनेट कर सकते हैं देखते ऑल येलो आर रेड सम येलो आर ग्रीन यहां पर देखो पिंक है ही नहीं यहां पर भी पिंक हा यहां पर एक पिंक है हा रुक जाओ ऑल येलो आर रेड नो पिंक इज रेड उसके बाद सी ऑल येलो आर रेड सम येलो आर ग्रीन उसके बाद नो पिंक इज रेड सम येलो आर नॉट पिंक यू कैनॉट से दैट तो देखोगे ये इफ आई ड्रो दिस ऑल येल्लो आर रेड सारा का सारा येल्लो क्या है रेड है कुछ येल्लो क्या है ग्रीन है नो पिंक इज रेड सम येल्लो आर नोट पिंक हाँ ये हो सकता है हाँ यह हो सकता है सॉरी सॉरी कुछ गलत पढ़ लिया मैंने हाँ सम येल्लो आर ग्रीन ये सॉरी सॉरी ये बढ़िया क्वेश्चन है। सम येलो और ग्रीन सम येलो और नॉट पिंक हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो कंक्लूजन को ही देखते स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा क्वेश्चन बढ़िया है ऑल ग्रीन बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी सारा का सारा ग्रीन येलो होने का पॉसिबिलिटी है क्या है ऑल ग्रीन बींग येलो इज ए पॉसिबिलिटी ग्रीन ब्लू नहीं हो सकता सारा का सारा ब्लू क्या है येलो है और कुछ रिलेशन है क्या ग्रीन एंड येलो के बीच में नहीं है ऑल ग्रीन येलो इज ए पॉसिबिलिटी हाँ ये हो सकता है सम येलो और ब्लू कुछ येलो ब्लू है क्या यहाँ पर तो ऑल ब्लू और येलो। तो सम येलो और ब्लू तो होगा हो ही होगा ये तो बिल्कुल सही है ये तो सही है देखो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ दिख, दिखाता हूँ नो पिंक इज ग्रीन नो ब्लू इज ग्रीन ब्लू नहीं है ऑल ब्लू आर येलो नो पिंक इज ब्लू नो ब्लू इज ग्रीन येलो कहा गया कुछ तो गलत कर रहा हूं नो पिंक इज रेड नो ब्लू इज ग्रीन सॉरी नो पिंक इज ब्लू ऑल ब्लू और येल्लो नो ब्लू ग्रीन ऑल अभी सही हो रहा है पॉसिबिलिटी हाँ ये ब्लू कुछ येलो ब्लू है हाँ ये तो सही है अभी और चेक करते है जो मैंने सोचा था ऐसे वो ऐसे तो सोल्व नहीं होगा कंक्लूजन से ही देखना पड़ेगा ये। पहला ये देखते है सोम येलो और नॉट पिंक येल्लो पिंक येल्लो सारा का सारा येल्लो क्या है रेड है सारा का सारा येल्लो क्या है रेड है पिंक रेड नहीं है तो येल्लो भी पिंक नहीं है ये सही से... ये वाला सही हो गया मतलब पी सही है अभी ऑल रेड बी ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी सारा का सारा रेड ब्लू होने का पॉसिबिलिटी है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए रेड एंड ब्लू के बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए एंड डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होना चाहिए पॉसिबिलिटी होने के लिए नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए एंड ऑल ऑल वाला भी नहीं होना चाहिए ऑल है ना यहाँ पर ऑल है तो ऑल नहीं होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए सोम से काम चल जाएगा रेड एंड ब्लू रेड कहां पर है यहाँ पर रेड से पिंक तक आ सकते हो नेगेटिव है उसके बाद रेड से येलो तक जाना पड़ेगा येलो से ग्रीन तक जाना पड़ेगा ग्रीन से ब्लू तक मेरे हिसाब से ये सही डायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं है दूर दूर तक कुछ रिलेशन नहीं है ड्रॉ करके दिखाता हूं सारा का सारा येलो क्या है रेड है नो रेड इज पिंक ठीक है सम येलो आर ग्रीन ठीक है नो ब्लू इज ग्रीन नहीं होगा नेगेटिव रिलेशन आ गया देखा भेन्डा के मीज इंपोर्टेंट कभी कभी गलत हो जाता है इसीलिए इम्पोर्टेंट बट इज इज कभी कभी ये मतलब क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि तुम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो एंड कभी कभी नहीं अगर ये सही हो गया तो ये चेक कर लो सम ग्रीन पिंक नहीं है हाँ पार्ट ऑफ ग्रीन इज नॉट पिंक सो वन ऑप्शन बाकी सब करने का जरूरत नहीं बट अंग क्वेश्चन बढ़िया था इतना डिफिकल्ट आने का चांसेस कम है बट थिंग इज आ सकता है ठीक है ना? ये न कुछ गलत किया मैंने ये तो ऑल रेड बिंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी नो ये तो रॉन्ग है हाँ 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 ठीक है कोई बात नहीं कल मिलते क्वेश्चन बढ़िया था क्वेश्चन बढ़िया था कल मिलते हैं सो आई सजेस्ट यू कि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है ऑलवेज यूज वेन डायग्राम ठीक है ना